जहाँ पर आज रिलीज हुआ है जेम्स और कल आने वाले है बच्चन पांडे। और थिएटर पर सक्सेसफुली रन करी है गांगुबाई काठियावाड़ी, विमला नायक, वाली माए, द कश्मीर फायर्स, विश्व पर्वम और साथ में रेबल स्टार प्रभास का फिल्म राधे श्याम। तो सच में इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। पहले बात करते हो राधे श्याम फिल्म को लेकर, जहाँ पर रेबल स्टार प्रभास का पैन इंडियन फिल्म आई राधे श्याम, जिसमें प्रभास के साथ पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत लिया है। पर इसके स्टोरी की वजह से इस फिल्म को मिला है मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ पर फर्स्ट डे पर राधे श्याम 80 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन करके पेंडेमिक के टाइम पे हाइस्ट ओपनिंग दिया है। पर रिव्यू की वजह से कलेक्शन पे एक ह्यूज ड्रॉप नजर आ रही है। और बता दूं दोस्तों, राधे श्याम का अभी तक की टोटल 7 डेज का कलेक्शन के बारे में, तो 7 डेज पर हिंदी पर कलेक्शन आई है 28 करोड़ और जो एक ह्यूज ड्रॉप है। दूसरी तरफ बात करूँ वर्ल्ड वाइड का, तो राधे श्याम का टोटल 7 डेज में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आई है 172 करोड़। और ऐसे ही चलता रहा तो रेबल स्टार प्रभास का राधे श्याम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक श्योर शॉट फ्लॉप का रोड पर है। अभी बात करती हूँ जेम्स को लेकर, जहाँ पर पहले ही बता देती हूँ हैप्पी बर्थडे पाल स्टार पुनीत राजकुमार। और जहाँ पर बर्थडे के मौके पर पुनीत का लास्ट फिल्म जेम्स की गई है रिलीज, और जिसमें पुनीत का स्माइल, डांस, एक्शन और साथ में इमोशन देखने के लिए थिएटर पर फैंस का चली है राशिंग आवर, जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस को ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए थिएटर पर हाउसफुल शो चली है। और अतः दोस्तों, जहाँ पर कनाडा पे जेम्स फिल्म का एडवांस बुकिंग आया था 9 करोड़ के आसपास, और एडवांस बुकिंग से ही पता चलता है कि सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं जेम्स फिल्म, और जिसमें पहली बार के लिए पास्टर पुनीत राजकुमार को एक आर्मी वाला एफ्तर में नजर आई है, जहाँ पर पूरे फिल्म पर है काफ़ी पावरफुल एफ्तर। और बता दोस्तों, इसी फिल्म पर एक सोशल मैसेज भी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो जेम्स फिल्म कनाडा में KGF का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। और जहाँ पर टोटल 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ है जेम्स फिल्म, और अगर इसका फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट डे पर सिर्फ कनाडा से ही जेम्स का कलेक्शन आ सकते हैं 30 करोड़ के आसपास। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट डे पर जेम्स का तगड़ा ओपनिंग होगा, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन आ सकते हैं 50 करोड़ का, यानि कि हाफ सेंचुरी करने वाले है जेम्स फिल्म अपनी फर्स्ट डे ओपनिंग पे। और जेम्स के लिए कोई कलेक्शन या फिर रिकॉर्ड मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इस फिल्म का नाम पे सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। दोस्तों, क्या आप जेम्स का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा हो या नहीं, कमेंट पे बताइएगा। और आपको क्या लगता है जेम्स का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। अभी बात करती हूँ गांगुबाई काठियावाड़ी को लेकर, जहाँ पर आलिया भट्ट ने बॉलीवुड पे न्यू लेडी सुपरस्टार बन गई है अपनी इसी फिल्म को देकर, और जिसका कलेक्शन को द कश्मीर फायर्स भी रोक नहीं पा रही है। जहाँ पर गांगुबाई पर आलिया को कामाथीपुरा का माफिया क्वीन के रोल में नजर आई है। और अतः दोस्तों, गांगुबाई ने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर भी बॉक्स ऑफिस तोड़ कर करी है कलेक्शन। और अगर अभी तक की गांगुबाई का कलेक्शन की बात करूँ तो 20 डेज पर गांगुबाई का इंडियन कलेक्शन आई है 160 करोड़ और जो तगड़ा कलेक्शन है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर, तो अभी तक की गांगुबाई ने थिएटर पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 185 करोड़, और काफ़ी जल्दी ही ये फिल्म 200 करोड़ का क्लब पर लिखाने वाले हैं अपने नाम। ऐसा करके गांगुबाई सुपर हिट साबित हो गई है। अभी बात करती हूँ विमला नायक को लेकर, जहाँ पर यह रहा पावर स्टार पवन कल्याण और आनंद अगुपति का मोस्ट हाइप वाला फिल्म, जहाँ पर एक्शन के साथ ही साथ दोनों का बड़ा बड़ा टक्कर फैंस को किया है काफ़ी इम्प्रेस्ड। और बता दोस्तों, ऑलमोस्ट 3 वीक तक विमला नायक थिएटर पर काफ़ी सक्सेसफुली रन किया है, पर अभी इस फिल्म का थोड़ा सा ड्रॉप नजर आ रही है, जहाँ पर विमला नायक का कलेक्शन को राधे श्याम भी नहीं रोक पाया। पर इस फिल्म को सामना करना पड़ा टिकट रेट इशू का, जहाँ पर आंध्र पे टिकट रेट काफ़ी लो था। और इसी हिसाब से अगर इस फिल्म का कलेक्शन की बात करूँ तो 20 डेज पर विमला नायक का तेलुगु पर कलेक्शन आई है 135 करोड़। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूँ तो अभी तक किसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आई है 195 करोड़, और अभी विमला नायक एक एवरेज जोन पर है। अभी बात करती हूँ बच्चन पांडे को लेकर, जहाँ पर बॉलीवुड पर आ रही है कल बॉलीवुड का खिलाड़ी अक्षय कुमार का बच्चन पांडे, और राखी का इसमें होगा एक डार्क वाला एक्टर, और कृति सनू ने इसमें एक फिल्म मेकर की रोल प्ले करी है, और जिस फिल्म पे एक्शन के साथ ही साथ कॉमेडी और रोमांस भी एक साथ देखने को मिलेगा। और अतः दोस्तों, ये फिल्म तमिल का ब्लॉकबस्टर फिल्म जीगा थंडा का रीमेक है, और बच्चन पांडे है फुल मैस एंटरटेनमेंट फिल्म, और जहाँ पर इसका बजट है 150 करोड़
और इसको टोटल 4000 स्क्रीन मिला था, पर द कश्मीर फाइल्स की वजह से इसका स्क्रीन को कम करके 3000 स्क्रीन मिला है। और अगर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो बच्चन पढ़ने फर्स्ट डे पर इंडिया कलेक्शन कर सकते हैं 20 करोड़, और वॉलेट पर फर्स्ट डे पर बच्चन पढ़ने का कलेक्शन आ जाएगा 55 करोड़। तो सबको क्या लगता है बच्चन पढ़ने का फर्स्ट कलेक्शन कितना हो सकता है, कॉमेंट पे बताइएगा। अभी बात करती हूँ वाली माई को लेकर, जहाँ पर वाली माई पे थला अजीत कुमार का एक वन मैन आर्मी वाला एक्टर नजर आई है, और जो फिल्म 4 वीक तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली कर रही है रन। और जहाँ पर वाली माई रहा एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म, और अगर इसका 21 डेज का कलेक्शन की बात करो तो तमिलनाडु से वाली माई फिल्म अभी तक की कलेक्शन किया है 155 करोड़। दूसरी तरफ वाली माई का वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन आ गई है 225 करोड़। ऐसे करके वाली माई ऑलरेडी हिट साबित हुई है। अभी बात करती हूँ द कश्मीर फाइल्स को लेकर, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड का ऐसी लो बजट फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है राज, जहाँ पर इसमें अनुपम खेर मिथुन चक्रवर्ती को लीड रोल में नजर है, और ये फिल्म कश्मीर पर बनने वाले सारी फिल्मों के बीच में है मोस्ट पावरफुल फिल्म, और बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाले द कश्मीर फाइल्स है अभी काफी ट्रेंडिंग पे। और बता दोस्तों, इसका अभी तक की यानी कि टोटल 70 के कलेक्शन की बात करूँ तो इसका टोटल कलेक्शन आई है 80 करोड़, और काफी आसानी से द कश्मीर फाइल्स 100 करोड़ प्लस का क्लब पर अपने नाम लिखाने वाले हैं, और ऑलरेडी ये फिल्म हो गई है एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म। अभी बात करती हूँ विश्वा परवाम को लेकर, जहाँ पर यह फिल्म रहा मलयालम का मोस्ट पावरफुल फिल्म, जिसमें मेगा स्टार मामूती को एक गैंगस्टर के एक्टर में नजर आई है, और जो फिल्म सेकेंड वीक तक काफी ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया है बॉक्स ऑफिस पर, और अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है काफी सक्सेसफुली। और अतः दोस्तों, केरला बॉक्स ऑफिस तोड़ कर रखी है विश्वा परवाम, और जो फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि हिस्ट्री किया है ओवरसीज पर भी, जहाँ पर यह फिल्म सऊदी अरब पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है, यानी कि विश्वा परवाम ने तोड़ दिया है तलपति वीजा का फिल्म मास्टर का रिकॉर्ड। और अभी विश्वा परवाम का कलेक्शन की बात करूँ तो अभी तक की टोटल 14 डेज में केरला पे कलेक्शन क्या है लगभग 58 करोड़। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो अभी तक की विश्वा परवाम वर्ल्ड वाइड पर 88 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाई है। और ऐसे से ही पता चलते है कि विश्वा परवाम काफी जल्दी ही मलयालम सिनेमा पर 100 करोड़ क्लब पर लिखाने वाले है अपने नाम, और विश्वा परवाम भी रहा एक ह्यूज मेगा ब्लॉकबस्टर। तो सो ये रहा जेम्स, बच्चन पांडे, गांगुबाई काठियावाड़ी, राधेश्याम, वाली माई, विमला नायक, द कश्मीर फाइल्स और विश्वा परवाम का अभी तक की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सो इस लिस्ट पर कौन सी फिल्म है आपका फेवरेट और इसके पीछे रीजन क्या है, कॉमेंट पे बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और बॉलीवुड साथ ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।